राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहेगा, अमित शाह को गृह मंत्रालय दे दिया गया है, यानी अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं उसमें मंत्रालयों में बदलाव नहीं किया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन रहेंगे, मंत्रालय संभालते हुए अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। आदिति मेरे साथ जुड़ी हुई है, गौरव मेरे साथ जुड़े। आदिति आपके पास आते हुए क्या क्या डिटेल्स आपके पास है आदिति? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा आपने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा जो पीएमओ है वो गरीबों का होगा और कंटिन्यूएशन में विश्वास करते हैं कि एज इट इज अजय टमटा, आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से चीजें आई हैं सेम टू सेम पोर्टफोलियो दिया गया है। अब पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह, सेम उनको गृह मंत्री दिया गया है, वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा, वहीं निर्मला सीतारमण, और वहीं आप देखिए कि कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो चुका है। नितिन गडकरी फिर से सड़क और परिवहन बनाए गए हैं, अजय टमटा और हर्षवर्धन से राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और अभी चीजें और आनी बाकी है पूरी तरीके से पोर्टफोलियो। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कैसे लगातार जो हम कह रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री ज्यादा बदलाव करते नजर नहीं आ रहे हैं, पहले इसके और साथ आपको बता दें अमित शाह राजनाथ सिंह के विभाग फिलहाल उन्हीं के पास रहेंगे, और जयशंकर जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर में बहुत अच्छा काम किया उनको भी वही जो है मंत्रालय दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी को सोशल जस्टिस और एविएशन जो है वो जेडीयू के पास है। इसके साथ साथ और भी तमाम तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि कुछ ही बदलाव, जैसे चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग देने की बात है, और जैसे तस्वीरें आ रही है 3.0 पहली बैठकों की तस्वीरें आ रही है, मंत्रालय लगभग सभी के सभी सेम के बांटे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा पोर्टफोलियो जो है वो हमें बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है उस पूरे पोर्टफोलियो का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, वही जो पुराना रिपीट किया गया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, यानी कि सब कुछ लगभग सेम है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है, और इसके साथ साथ आप देखें कि केवल मनोहर लाल खट्टर को बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी, यानी कहीं ना कुछ चेंज यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विभाग सभी के सेम है, स्वरूप वही है, लेकिन जनता का पीएमओ है उस तरह से काम हो रहा है। और डिटेल्स आपके साथ बिल्कुल, लेकिन आपने एविएशन का भी जिक्र किया, उसमें बदलाव की संभावना आपको नजर आ रही है। गौरव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। गौरव, सीसीएस में कोई बदलाव नहीं है, इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री, सीसीएस में कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज रिपीट मंत्रालय और उनको दिए जाने वाले जिम्मेदारियों वाले चेहरे वही हैं जो पहले थे 2.0 में, 3.0 में बरकरार रखे गए। देखिए बिल्कुल, लगातार हम लोग जब सुबह इस बात को कर रहे थे, मैंने सुबह कहा भी था कि खास करके परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे या फिर वो मंत्री बने रहेंगे, और आप देखिए कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मोदी कैबिनेट की एक तरफ बैठक खत्म होती है तो दूसरी तरफ उनका सीधे सीधे जो मंत्रालय था वो उनके पास नजर आ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने रहेंगे, नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी के पास उनका जो मंत्रालय है वो है, और उनके साथ में दो एमओएस जो है ये दो नए चेहरे देखने को मिलेंगे, अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा। और निश्चित तौर पे अगर हम देखें जो सरकार ने जिस तरीके से अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से तैयार किया था, उनके कामों को देखते हुए ये जो निर्णय लिया है, उनके जो मंत्रालय है उनके पास रहेंगे। अब इससे जो 100 दिनों का रोड मैप बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, आप समझिए कि वो 100 दिनों का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार था, इसीलिए इस तरीके के जो निर्णय है वो लिए गए हैं, और जो पुराने मंत्री हैं उनको अपने उनके मंत्री पद पर बरकरार रखा गया। और ये बहुत जरूरी भी था। दीदी एक बार फिर से आपके पास आते हुए कुछ एडिशनल जानकारी अभी तक आई हो कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर? बिल्कुल, यही इंतजार हो रहा है, पर ज्यादातर जो बड़े 5 जो थे वो एज इट इज दिए गए हैं, यानी कि आप ये समझिए कि ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर अलायंस नहीं कर पाई है, किसी तरह के प्रेशर नहीं किया कर पाई है अलायंस से, आप बड़े विभाग हमको दो। और देखिए बिहार से भले ही 8 मंत्री हैं लेकिन आप बिहार में जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यही जो प्रचलन रहा है वो ही नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस बार फिलहाल रिपीट किया जा रहा है तमाम तरीके की चीजों को, और जब ये पहली कैबिनेट का जो बैठक हुई उसमें सभी को बता दिया गया है, जानकारी मिल रही है कि सभी को बता दिया गया है,
और अभी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ही रहेंगे। नितिन गडकरी किसी सड़क में बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो उनको वही विभाग अभी रिपीट करने की बात कही गई है। लगातार और जानकारी का इंतजार है, लेकिन केवल और केवल दो मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिए हैं। पूर्णिमा, आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। पहला कि मैंने अभी तक बंटवारे नहीं किए थे, उससे पहले मैंने फैसले हाउसिंग का ले लिया है, कितने करोड़ घर बनाऊंगा। यानी कि ये काम प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की मंशा है वो गरीबों के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अलायंस का कोई प्रेशर नहीं है, वैसा का वैसा ही स्वरूप है, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे किसी भी चीजों में। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर, अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अजय टमटा भी हैं, हर्ष मल्होत्रा एमओएच है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी है, यानी कि अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा को अटैच किया गया है नितिन गडकरी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे जानकारी आ रही है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही बारीकी से सोच समझ के यहाँ पर चीजें की हैं, जिससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो, कोई नाराज ना हो, ये तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। इसके साथ और भी चीजें यहाँ पर हैं, मोदी सरकार के मंत्री का बंटवारा हो चुका है। आपको बता दें अमित शाह गृह मंत्रालय मिली है, नितिन गडकरी वही सड़क परिवहन, उनके साथ दो लोगों को जोड़ा गया है, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, उनके साथ भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालेंगे और अश्विनी वैष्णव रेल संभालेंगे। इसके अलावा भी जो दूसरे नेता हैं और दूसरे जो अलायंस के लोग हैं उनको भी बड़े विभागों के साथ एमओएस की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो 33 नए चेहरे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। लेकिन पूरी डिटेल्ड जानकारी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आदिति लौटती हूँ आपके पास, गौरव आपके पास भी लौटूंगी जल्दी से। एक बार फिर से आपको बताते हुए, मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है, इसके साथ ही एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, अमित शाह गृहमंत्री बने रहेंगे, जो राजनाथ सिंह है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को संभालते हुए कंटिन्यू करेंगे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे। इसी तरीके से जो मैंने जैसे कि सीसीएस का जिक्र किया, सीसीएस को एज इट इज रखा गया है, लेकिन आदिति अभी भी खबर दे रही थी कि एवीएस में कुछ बदलाव जरूर यहां पर संभव नजर आता है। गजेंद्र सिंह शेखावत है वो जल शक्ति मंत्री बने रहेंगे। लिस्ट जैसे जैसे आती रहेगी आपके पास फॉरन लौटेंगे।